कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत कंबाश्रम के जंगल में हाई टेंशन की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। पता चल रहा है कि जब महिला घास काटने गई तो वहां एक पेड़ हाई टेंशन लाइन से सटा हुआ था, जिसकी जानकारी महिला को नहीं थी। जंगल में जाते हुए महिला जैसे ही घास काटने के पेड़ के पास पहुंची तो महिला का हाथ उस पेड़ से टच हो गया, जिससे महिला को करंट लगा और महिला बेहोश हो गई। महिला के परिजनों ने महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। दूसरी ओर परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस के देरी से आने के चलते महिला की मृत्यु हुई है। कोटद्वार से राजेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। ऐसा हुआ कि हम लोगों को जब खबर मिली, तो खबर मिलने के बाद में हम लोगों ने वहाँ से सीधा तत्काल में वहाँ हम लोग कड़ाश्रम पहुँच गए। 108 को फ़ोन करा, 108 को फ़ोन करने के बाद में वो लगभग हमारे पास में एक घंटे तक भी वो नहीं आई वो। और हमने ड्राइवर को बोला कि हाँ भाई, मैंने कहा तू क्यों नहीं आ रहा, कि उसने बोला कि जाम लग रहा है। और जाम किस कारण से लग रहा है, क्योंकि उसका सायरन नहीं बज रहा। ये गलती थी वो ड्राइवर की भाई साहब। हॉस्पिटल में लाए, देखो देखो वो चीज़ें तो डॉक्टर साहब बताएंगे, वो तो हम नहीं बता सकते। यहाँ व्यक्ति समय से आ जाएगा तो जितनी सुविधाएं इस छत के नीचे संभव है वो दी जाएंगी। अगर वो मरीज इस स्थिति का है कि उसकी सुविधाएं यहाँ नहीं है, यहाँ पे मुहैया नहीं हो सकती हैं, तो उसे फिर आगे रेफर कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो मरीज आया था, ये ब्रॉड डेड आया था, ये मरी हुई मृत अवस्था में आया था। तो वही कहीं ना कहीं के मैंने उनसे वार्ता की, उनके परिजनों से। उन्होंने बताया साहब, हमने 108 को बुलाया था। 108 मेरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती, मेरे उसके क्षेत्र के बाहर है।